चाकूबाजी की वारदातें लगातार जारी है। ताजा मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और प्रेमिका व उसकी सहेली पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। घायल युवती को उपचार के लिए एमवाई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। शहर की पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र के राजवाड़ा इलाके का है। यहां अल्लू शेख नाम के बदमाश ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को मिलने बुलाया और प्रेमिका और उसके साथ आई सहेली पर चाकू बरसा दिए। हमले में प्रेमिका घायल हो गई, जबकि उसकी सहेली जान बचाकर भाग निकली। आरोपी प्रेमी की पहचान अल्लू शेख निवासी आजाद नगर के रूप में हुई है। वहीं घायल युवतियों के एमवाई अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में एमजी रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम फिरदौस है। क्या हुआ आपको, क्या जानकारी लगी? नहीं कहीं नहीं, उसके बॉयफ्रेंड से वो मिलने के लिए आई थी बट हाँ। और है ना अपना क्या बोलते हैं राजवाड़े पे उसने चाकू मार दी बट बात ये हुई, और एमजी रोड पे हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवा दी बट बात ये हुई। क्या नाम है इसका? एक का नाम फिरदौस है और एक का नाम अफसाना है बट, और जिसने मारे उसका नाम अल्लू है। ठीक है, जी हाँ। अफसाना घायल है बाइक के अंदर और रुखसार घायल है एम बाइक के अंदर। अच्छा, ठीक है। अल्लू क्या करता है? अल्लू लूटपाट करता है। ये जानकारी मिली थी कि राजवाड़ा से एक लड़की जिसका नाम अफसाना बी, वो थाने पर आई और बताई कि मुझे चाकू मार दिया है। तो फिर हमने बीट वालों को भेजे, उसके बाद में घटनास्थल का तस्दीक कराया, उसके बाद में अफसाना का मेडिकल फार्म भर के एम्बैच भेज दिए। एम्बैच में जाने के बाद में महिला कांस्टेबल और एक जेन कांस्टेबल एवरेन के साथ भिजवाया गया, और जहाँ पर उन्हें पहले से एक पेशेंट थी रुखसार, वो भी वहाँ भर्ती थी। फिर उनके इलाज वहाँ कराए, उसका MLC प्राप्त किए। उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद हमको लगा कि वो रुखसार वहाँ से वो इलाज नहीं कराई, पट्टी बंद बंधवाई, उसके बाद वो चली गई। और अभी और इसके अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उसका तफ्तीश की जा रही है। आरोपी फरार है और इसको कोई मारने वाला कोई दूसरा नहीं, कोई परिचित है इसके मारने वाला, जिसका नाम उल्लू बता रही है, जो आज़ाद नगर में निवास करते हैं।